अस्सलामुअलैकुम क्लास, माय नेम इज़ रियांजवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास फर्स्ट ईयर, आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 12.3। इसमें हमने एंगल्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है। उसने हमें बोला हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है, मतलब हम यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पर हम खड़े हैं, और यहाँ से हमारे पास दो एंगल होते हैं। हमारे पास एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लास, जब भी हम ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब जब हम अपनी आँखों को ऊपर की तरफ देखते हैं, अबव टू द स्काई कह सकते हैं हम, जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जब जो सा एंगल ग्राउंड स्टेट में और ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ बनता है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब भी हम अब ग्राउंड स्टेट पे खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं, लोअर स्टेट की तरफ देखते हैं, तो जो सी इन दोनों लाइंस के दरमियान एक एंगल बनता है ग्राउंड स्टेट से लोअर लाइन की तरफ, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो तरह के एंगल हमें डिस्कस करने हैं 12.3 के अंदर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब हम इसका क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, वो कह रहा है अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई। हमें पता है पोल, जैसा कि फुटबॉल का भी जो होता है उसमें भी पोल्स होते हैं, पोल होता है एक स्ट्रेट। वो कह रहा है पोल की हाइट है हमारे पास क्या, 8 मीटर। एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो। हमें पता है शेडो क्या होता है, अगर लेट्स सपोज इस तरह से इसको सन की रोशनी आ रही है तो इसका शेडो क्या बनेगा ग्राउंड स्टेट पे। अगर हम यहाँ से इस तरफ का मूव करें तब भी इसका शेडो किस तरह बनेगा ग्राउंड स्टेट पे। तो हमें पता है शेडो हमेशा कहाँ पे होता है, ग्राउंड स्टेट पे। और उसने हमें बोला हुआ है एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो, मतलब कि ग्राउंड स्टेट उसकी शेडो कितनी आई है, 6 मीटर। ये कितना है हमारे पास, 6 मीटर। वो कह रहा है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द मूवमेंट, मतलब कि सन ऊपर वाली साइड पे होता है। वो कह रहा है आपने मुझे उसका एंगल बताना है सन के एलिवेशन का, मतलब एलिवेशन हमारे पास क्या होता है ग्राउंड स्टेट से जो ऊपर वाली लाइन होती है उसके दरमियान जो एंगल होता है, मतलब हमने ये वाला एंगल उसको बताना है। ओके क्लास, अब हम नाम देते हैं इसको अपने ट्राइंगल को, ए बी और सी। दो साइड्स हमारे पास हैं, एक एंगल हमने फाइंड करना है। हमें पता है टेन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी, ओवर बेस हमारे पास क्या है क्लास, ए सी। थीटा हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। टेन थीटा इधर ही रहने दिया हमने, वैल्यू पुट की, बी सी हमारे पास क्या था 8 मीटर, ओवर ए सी हमारे पास क्या था 6 मीटर। तो हमारे पास आया 2 3 6 2 4 8 4/3 टेन थीटा। हमें टेन थीटा नहीं क्लास, थीटा अकेला चाहिए, तो टेन इस साइड पे है इक्वल उस साइड पे क्या हो जाएगा, जाकर इन्वर्स। ये क्लास हमेशा याद रखना है, जब फंक्शन एक जगह से इक्वल के दूसरी जगह पे मूव करता है तो वो उसका इन्वर्स हो जाता होता है। अब टेन इस साइड पे जाके इन्वर्स हो गया, टेन इन्वर्स इंटू 4/3। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, टेन इन्वर्स इंटू 4/ टेन इन्वर्स इंटू 4/3 पुट किया तो हमारे पास का आंसर आया 53.1। तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल आया 53.1 के, और यही हमने क्लास फाइंड करना था। उसने हमें कहा है आपके पास एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर, उसका जो शेडो बन रहा है हमें पता है शेडो हमेशा किसके साथ होता है ग्राउंड स्टेट के साथ, वो कितना है 6 मीटर है। और कह रहा है आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इस ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली लाइन के दरमियान जो एंगल होता है वो क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे भी सेकेंड में उसने बताया हुआ है सन, और हमें पता है सन कहाँ होता है ऊपर वाली साइड पर होता है, तो एंगल कौन सा लेना है हमने ऊपर वाला, तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे बाई यूजिंग टू साइड्स जो हमें गिवन है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू।
क्वेश्चन नंबर टू की हमारे पास स्टेटमेंट है, कह रहे हैं अ मैन 18 डेसीमीटर, क्वेश्चन नंबर टू। वो कह रहा है अ मैन 18 डेसीमीटर टॉल, एक आदमी है जो कि 18 डेसीमीटर लॉन्ग है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ओके, एक कह रहा है एक आदमी है जो लेट्स सपोज वो इस पॉइंट पे खड़ा है, कह रहा है उसकी हाइट है 18 डेसीमीटर। हाँ ने बोल दिया ये एक आदमी है, उसकी हाइट कितनी है 18 डेसीमीटर। दैट ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें पता है लेट्स सपोज अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट लें, इसका हमने क्या लिया ग्राउंड स्टेट, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऊपर वाली साइड पे बनेगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्री है, ये एक आगे लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से लेके ऊपर वाली स्टेट के दरमियान जो एंगल होता है। वो कह रहे हैं आपने अ मैन 18 डेसीमीटर लॉन्ग है, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ द एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द ट्री एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। उस आदमी से लेके ट्री का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 12 मीटर आदमी से लेके उस ट्री का। फ्रॉम हिम इज 32 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसका, थीटा कितना है 32 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, आपने हाइट फाइंड करके देनी है। उसने हमें आदमी की हाइट दी हुई है 12 डेसीमीटर। वो कह रहा है उस आदमी से लेके ऑब्जर्वर से लेके ट्री का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 32 डिग्री, आपने हाइट फाइंड करके देनी है। सेम हम पहले इसको इग्नोर करते हैं उसकी हाइट को और हम अपनी ट्रायंगल को सोल्व करते हैं। हमारे पास एक साइड एक एंगल है, हम दोबारा टैन का ही फार्मूला ले लेते हैं। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। टैन इंटू थीटा हमारे पास गिवन है कितना है 32, वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, एच हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय बेस कितनी है 12। क्लास टैन 32 की हम वैल्यू पुट करेंगे तो टैन 32 किसके इक्वल आएगा 0.62। 12 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। हाइट मल्टीप्लाई किया हमने 12 के साथ तो हाइट आई हमारे पास 7.4। हाइट हमारे पास किसकी इक्वल आई 7.4 के। क्लास ये आई थी ट्राइंगल के, लेकिन हमने अब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जो हमारी हाइट आई है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमारे पास गिवन थी 12 डेसीमीटर। क्लास यहाँ तक जो हमारी हाइट आई इस पॉइंट तक यहाँ से लेके वो कितनी आई 7.4 और यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी थी 12 डेसीमीटर, ये आई हमारे पास मीटर में। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी लेंथ कितनी है 12 डेसीमीटर, इसका हम एच डैश कह देते हैं 12 डेसीमीटर। हमें ये भी किस में चाहिए मीटर में तो क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 10 किया तो हमारे पास आया 1.8 मीटर। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, हाइट हमारे पास थी 7.4 और ये हाइट थी हमारे पास एच डैश, ये हमारे पास कितनी आई 7.8 मीटर। अब हमने क्या फाइंड करनी है टोटल लेंथ, तो हम क्या करेंगे एच प्लस एच डैश कर देंगे, एच है हमारे पास 7.4 प्लस एच डैश है हमारे पास 1.8, दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी, टोटल हाइट आई हमारे पास 9.29। जब हम इसको करेंगे कन्वर्ट तो आएगा 9.3, तो टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी 9.3। इधर क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें कह रहा है एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लास क्लिफ कहते हैं किसी भी चढ़ाई को। वो कह रहा है एट द टॉप ऑफ द क्लिफ 18 मीटर हाई। वो कह रहा है लेट्स सपोज ये आपके पास क्लिफ है, मतलब ये हमारे पास एक चढ़ाई है। कह रहा है कितने मीटर हाई है वो, मतलब उसकी हाइट कितनी है 80 मीटर। हाइट कितनी है हमारे पास 80 मीटर। एट द एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, कह रहा है आपने
एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके ऊपर, एट द टॉप ऑफ द क्लिफ। एट टॉप ऑफ द क्लिफ क्लास हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये वाला एंगल, कितना उसने हमें दिया हुआ 12 डिग्री। क्योंकि क्लास हमें पता है ग्राउंड स्टेट से जब भी हम नीचे की तरफ लोअर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन आता होता है, और यहाँ से जब हम टूवर्ड्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। इसलिए हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का कहा है, इसलिए हमने एट द टॉप ऑफ द क्लिफ हमने टूवर्ड्स द लोअर मूव किया तो हमारे पास एंगल क्या आ गया 12। क्लास जब हम इस एंगल को नीचे मूव करेंगे अपने ट्राइंगल के अंदर तो उसके जो साइड के रेसिप्रोकल होता है वो एंगल उसमें कन्वर्ट हो जाता होता है, तो हमारे पास एंगल ये वाला क्या आ गया 12 डिग्री। वो कह रहा है फाइंड करें हाउ फार इज़ द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ। अब हमने फाइंड करना है कि अगर बोर्ड यहाँ पर है तो इसने यहाँ पर जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस इनमें रिक्वायर्ड है, तो हमने ये चीज़ क्या करनी है फाइंड करनी है। इसको हमने नाम दे दिया एक्स का। अब हमारे पास एक साइड और एक एंगल गिवन है, हम दोबारा अपना टैन का फार्मूला यूज़ करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्लास थीटा में गिवन है कितना है 12, तो टैन इंटू 12 वैल्यू पुट की इज इक्वल टू हाइट कितनी है उसकी 20 डिवाइडेड बाय बेस हमने फाइंड करनी है एक्स, टैन 12 की हमने वैल्यू पुट की तो टैन इंटू 12 हमारे पास इक्वल आया 0.212। एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 20, एक्स हमें चाहिए तो 0.212 इधर आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइड करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 0.212 तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 376। एक्स आ गया हमारे पास 376.37। तो क्लास ये आ गई हमारे पास बेस डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्लास अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें से हमें क्या हुआ है, अ लैडर कोई सीढ़ी है हमारे पास लेइंग अगेंस्ट अस वर्टिकल वॉल। वर्टिकल लाइन क्लास हमारे पास ये होती है और हमें पता है वॉल भी हमारे पास एक स्ट्रेट होती है। वो कह रहा है एक लैडर है कोई भी सीढ़ी है जो वॉल के अगेंस्ट पड़ी हुई है। अगेंस्ट क्या होगी, इस तरह पड़ी होगी क्योंकि जब हम सीढ़ी लगाते हैं तो दीवार के साथ हमेशा ऐसे लगाते हैं। उसने भी हमें क्या है वाल के क्या है वो अगेंस्ट है, तो हमारे पास सीढ़ी इस तरह आ गई विद मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री, और वो एंगल वो हमारे वो वाल के साथ कितना एंगल बना रही है 24 डिग्री विद द ग्राउंड, सॉरी क्लास ग्राउंड के साथ बना रही है। जो लेडर है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है 24 डिग्री। इट्स फुट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम दी वॉल, उसके जो फुट हैं मतलब उसकी जो बेस है मतलब जो जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है सीढ़ी वो वॉल से कितनी दूर है 5 मीटर। और कह रहा है हमने मुझे फाइंड करके देना है इट्स लेंथ, और लेंथ हमने इसकी फाइंड करके देनी है लेडर की। हाइट हमने वॉल की हाइट नहीं फाइंड करनी, हमने लेडर की हाइट फाइंड करनी है, और लेडर हमने ली थी इस तरह। अब क्लास हमें पता है कोस, अब हम कोस का फार्मूला लेंगे क्योंकि कोस में आता होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। लेंथ का हमें डिस्कस ही नहीं करना, परपेंडिकुलर को हमें डिस्कस ही नहीं करना, हमें डिस्कस करना है उसकी बेस को और उसकी हाइपोटेनियस को। हमें पता है कोस थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। थीटा में गिवन है वैल्यू पुट कर देंगे कोस इंटू थीटा कितना है 24 इज इक्वल टू बेस है हमारे पास 5 हाइपोटेनियस एल हमने क्या करना है फाइंड करना है। वैल्यू पुट करेंगे कोस इंटू 24 है हमारे पास 0.91 इज इक्वल टू 5 ओवर एल। एल हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 ओवर 0.91, तो 5 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.91, एल हमारे पास आई 5.47 मीटर, और यही लेंथ था हमने लेडर की फाइंड करनी थी। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 आज की लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें बोल रहा है अ काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 67.2
कह रहा है कोई भी काइट है जिस जो कि कितनी हाइट पे मूव कर रही है उसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से लेके 0.67.2 meters हाइट है उसकी। इज अटैच विद द फुली स्ट्रेच स्प्रिंग क्लीम्ड एट द एंगल ऑफ 55 डिग्री। मतलब कि वो कह रहा है मूव कर रही है पॉइंट से काइट, काइट हमेशा इस तरह मूव करती होती है जब हम काइट को ऐसे क्लीम करते हैं, तो वो कह रहा है वो एंगल कितना बना रही है 55 डिग्री। नाम दे दिया हमने ए बी सी। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और आपने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। हमें पता है काइट इस तरह मूव करती होती है, तो मतलब हमारे पास ये क्या उसका स्ट्रिंग, इसकी लेंथ हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। अब हम कौन सा एंगल लेंगे क्लास, कौन सा फंक्शन लेंगे साइन का, क्योंकि उसी के अंदर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डिस्कस करते हैं। तो इस बार हमने लिया साइन थीटा, वो किसकी इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। थीटा हमारे पास गिवन है, पुट कर दिया साइन इंटू 55 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 67.2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एल, हमने क्या करना है फाइंड करना है। वैल्यू पुट करेंगे साइन 55, वो आया हमारे पास 0.81 इज इक्वल टू 67.2 ओवर एल। एल इधर ले आएंगे, एल इज इक्वल टू आ जाएगा 67.2 डिवाइडेड बाय 0.81। एल हमारे पास आया जब हमने डिवाइड किया 67.2 को 0.81 के साथ, तो एल लेंथ आई हमारे पास स्ट्रिंग की 82.03। ओके क्लास, और यही हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी थी आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 ही थे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।